आशीष बताइए, ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी से किसको होगा फायदा? सर सबसे पहले स्टॉक का नाम बताता हूँ आपको, IEX, और आप इस पॉलिसी के डॉक्यूमेंट को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ग्रीन हाइड्रोजन जो पॉलिसी आई है इसमें क्लियर कट बहुत अच्छा बड़ा बेनिफिट जो है आपको IEX में देखने को मिलेगा। क्योंकि आपको देखिए ग्रीन हाइड्रोजन कैसे बनता है, इसकी प्रोसेस में थोड़ा सा दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि आपको जो है ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए बहुत ही आप समझ लीजिए कि इम्पोर्टेंट है कि आप जो है ग्रीन एनर्जी का ही उपयोग करें। तो इसके लिए जो है सरकार ने ऐलान भी किया है कि 25 साल तक जो है आप इंटरस्टेट जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन होगा उसकी छूट दी जाएगी, और साथ ही साथ अगर आप देखें तो जो आप ग्रीन एनर्जी प्रोक्योर करेंगे आप एक्सचेंजेस से कर पाएंगे। और क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको अगर ग्रीन हाइड्रोजन बनाना है तो आपको इलेक्ट्रिसिटी की जो तो आवश्यकता होगी, और फिलहाल अगर आप देखें तो जिस प्रकार की कंपनीज इस बिजनेस में आना चाहती हैं, इलेक्ट्रोलाइजर इंपोर्ट कर रही हैं, इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से जो है एनर्जी बनाई जाएगी, तो आपको ग्रीन एनर्जी जो है खरीदनी पड़ेगी एक्सचेंजेस के माध्यम से। और ये भी हो सकता है कि आगे जाकर मैं पॉलिसी के पेपर में पढ़ भी रहा था कि आप इससे भी जो है आप आगे जाकर एनर्जी का उत्पादन कर सकते हैं जो कि बड़े मैग्नीट्यूड से होगी। तो जिस प्रकार से IEX को अगर आप देखें तो बड़ा बेनिफिट देखने को मिल सकता है, और क्योंकि इनके पास ऑलरेडी सर प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, इनके पास जो है टर्म अहेड डे अहेड जो है अलग से प्लेटफॉर्म है ग्रीन एनर्जी के लिए। तो यहां से अगर आप देखें तो ऑलरेडी इनके वॉल्यूम्स ओवर द ईयर्स पिकअप कर रहे हैं, क्योंकि पूरी जो ग्रीन थीम है भारत में काफी नई है, धीरे धीरे वॉल्यूम्स पिकअप कर रही है। अब इसमें जब हाइड्रोजन का एडिशन हो जाएगा तो इनके जो और वॉल्यूम्स है इसमें ट्रेडिंग एक्टिविटी में बड़ा इजाफा होगा, और काफी सारे लोग ऐसे होंगे जो हाइड्रोजन उत्पादन के लिए IEX से जो है एनर्जी प्रोक्योर करेंगे। और ये भी हो सकता है कि आगे जाकर इस एनर्जी को फर्दर ही IEX को सेल करें, तो वहां से अगर आप देखें तो विन विन सिचुएशन जो है पॉलिसी के डॉक्यूमेंट के अनुसार आपको समझ में आएगा कि IEX को बड़ा बेनिफिट है। ओके, तो ये है IEX इंडियन एनर्जी एक्सचेंज जिसको मिलेगा बड़ा बेनिफिट। और अभी तो आप सोचिए टोटल जितना पावर का बिजनेस है उसका 5% भी नहीं कर एक्सचेंज पे, उसके बावजूद IEX का ये हाल है। और ये ग्रीन हाइड्रोजन का जो ओवरऑल बिजनेस है वो अभी के पावर से भी ज्यादा बड़ा है, इतना बड़ा पोटेंशियल सर। ये 15 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हमारा विजन है कि भारत इसमें सबसे बड़ा बनेगा। और इस खासियत है कि देखिए आप हाइड्रोजन भी बिजली से बनाते हो, लेकिन उस हाइड्रोजन से जब आप बिजली बनाओगे तो कहीं ज्यादा बिजली बनेगी, ये एक इंटरेस्टिंग बात है। तो आप हाइड्रोजन बनाने के लिए बिजली खरीदोगे, करेक्ट, और हाइड्रोजन से आप बिजली बनाओगे, डबल फायदा है, डबल फायदा है। तो IEX को परचेज भी लोग करेंगे और सेल भी करेंगे सर। IEX को प्यार करने वाले हमारे यहाँ कम थोड़ी है, दो फंडामेंटल एक्सपर्ट हमारे साथ है, जैन साहब भी और सिद्धार्थ जी भी। बिल्कुल, पहले सिद्धार्थ जी बोल रहे, पहले मैं राय देना चाहता हूँ, पहले सिद्धार्थ जी के पास पहुंचते हैं। सिद्धार्थ जी बताएं सर। बिल्कुल सटीक एनालिसिस किया है आशीष ने अनिल जी, और IEX को डेफिनेटली बहुत बड़ा फायदा है। एग्जिस्टिंग बिजनेस जो पावर कॉन्ट्रैक्ट्स या नेचुरल गैस के कॉन्ट्रैक्ट्स जो ट्रेड हो रहे हैं इसमें तो फायदा है ही है, बट अब ग्रीन हाइड्रोजन के भी कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड हो सकते हैं अगर। और सबसे बड़ी चीज, हमारे प्रधानमंत्री जी जिसके जो योजना को फोकस करते हैं वो डेफिनेटली सक्सेस होता है, और बहुत कॉन्फिडेंट हूं मैं IEX के ऊपर, क्योंकि 95% का मार्केट शेयर है पावर कॉन्ट्रैक्ट्स में। ग्रीन हाइड्रोजन में भी कोई दूसरा नहीं होगा, इसमें भी मार्केट शेयर मतलब ऑप्टिमम लेवल पे होगा। कंपनी डेट फ्री है, इससे ज्यादा क्या चाहिए, मोनोपोली बिजनेस है, डेट फ्री है, और रिजल्ट्स भी दमदार, क्योंकि अगर तीसरी तिमाही की बात करें 40% का ग्रोथ देखा गया, 68% करीब 70% का मार्जिन है IEX का। मैं मानता हूं कि इससे बेहतर मोनोपोली बिजनेस आपको नहीं मिल सकते। ये बोनस के बाद स्टॉक थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है, यही मौका है खरीदने का, टारगेट होगा 317। ओहो, तो ये है इंटरेस्टिंग चीज।